नमस्कार सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं स्नेहा भारती आपके साथ। कोरोना महामारी के बीच बिहार में लॉकडाउन लगाया गया है और लॉकडाउन में भी आपराधिक घटनाएं बढ़ती जा रही है। ताजा मामला औरंगाबाद जिले से है, जहां एसटीएफ के एक जवान ने नाबालिग बच्ची के साथ छेड़खानी की है और उसकी बड़ी बहन पर गंदी नजर डाली। पीड़ित परिवार ने आरोपी के खिलाफ पुलिस में शिकायत की है। कांग्रेस विधायक आनंद शंकर ने भी एसपी से पीड़ित बच्ची को इंसाफ दिलाने की गुहार लगाई है। तो आप समझ सकते हैं कि जिसके कंधे पर रक्षा करने की बागडोर दी गई है, अगर वही भक्षक बन जाए तो क्या कहेंगे। ये बड़ी खबर आई है औरंगाबाद जिले से। दरअसल पड़रिया गांव में एक 10 वर्षीय बच्ची के साथ छेड़खानी किए जाने का मामला प्रकाश में आया है। यह मामला एक एसटीएफ के जवान से जुड़ा हुआ है। मामले की जानकारी देव थाना से लेकर एसपी तक को है, लेकिन इस दिशा में कोई कार्रवाई होता नहीं दिख रहा है। सदर विधायक आनंद शंकर ने अपनी आवाज बुलंद की है और इसकी जानकारी उन्होंने प्रेस वार्ता कर मीडिया को दी है। प्रेस वार्ता कर कांग्रेस विधायक ने बताया है कि आरोपी एसटीएफ जवान, जिसका नाम नगीना पासवान है, उस पर छेड़खानी का आरोप लगा है। वह हमेशा आते जाते बच्चियों के साथ छेड़खानी करता है। इसकी जानकारी एसपी को दी गई, लेकिन एसपी के निर्देश पर देव थाना ने कार्रवाई न कर उल्टे पीड़िता और उसके पिता को भी धमकाया। विधायक ने इस मामले पर अपनी कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अगर स्थिति यही बनी रही तो आने वाले दिनों में बड़ी घटना घट सकती है। जिस बच्ची के साथ छेड़खानी की गई है, उसने भी एसटीएफ जवान की हरकतों की जानकारी मीडिया को दी है। इस मामले में अब एसपी सुधीर कुमार पोरेका से बात की गई है, तो उन्होंने बताया है कि परिजन के द्वारा दिए गए आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और आगे पूरे मामले की तहकीकात की जा रही है। एसपी ने बताया कि जांच के बाद मामला सत्य पाया गया तो दोषी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो लॉकडाउन के बीच औरंगाबाद जिले से इस तरह की घटना सामने आई है। काफ़ी शर्मनाक है, बेहद ही निंदनीय है। एसटीएफ जवान की गंदी नज़र जिस बच्ची पे पड़ी है, उस बच्ची ने भी इस बात की जानकारी प्रेस मीडिया को दी है और कांग्रेस विधायक भी बच्ची की मदद के लिए आगे आए हैं।